हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। हम एक 3D फ्रेम को एनालिसिस और डिज़ाइन देख रहे हैं। तो हमने लोडिंग कंडीशन तक हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम एनालिसिस और प्रिंट में जाएंगे। क्लिक ऑन ऑल, क्लिक ऑन ऐड और क्लिक ऑन क्लोज और रन में जाके एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस और क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 एरर, 2 वार्निंग्स एंड 1 नोट्स। और हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाते हैं और ये जो सेक्शन है डिज़ाइनिंग, वो हमारे लिए न्यू सेक्शन है, क्योंकि अभी तक फिलहाल हमने ये डिज़ाइन के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया हुआ है। जैसे आप डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 5 सब टैब यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला है स्टील, उसके बाद है कॉन्क्रीट, टिम्बर, एल्यूमिनियम और शीयर वॉल। ऑब्वियसली डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट कोड यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप स्टील की डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपने जो डिफॉल्ट स्टील कोड असाइन किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कंक्रीट का डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए जो डिफॉल्ट कोड आपने असाइन किया हुआ है वो यहाँ पे अवेलेबल डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर शीयर वॉल, एल्यूमिनियम, टिम्बर एंड सो ऑन। यहाँ पे हम कंक्रीट की डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं एज पर इंडियन कोड्स एंड प्रैक्टिसेस। तो एज पर इंडियन कोड, कंक्रीट का हमारा कोड है IS 456, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ये टैब में हमें 3 सब ऑप्शन हैं। पहला है सिलेक्ट पैरामीटर, दूसरा है डिफाइंड पैरामीटर और तीसरा है कमांड्स। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर्स को ऐड करना पड़ेगा। और डिफाइंड पैरामीटर में जो भी पैरामीटर हमने ऐड किया हुआ है उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और कमांड में फिर उसे हम असाइन करना पड़ेगा। तो आइए 1 बाय 1 सब ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट पैरामीटर्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट सभी पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन फिलहाल मैं ये प्रैक्टिस सेशन में सब पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FI मेन और FI शीयर एनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे मैं ये तीनों पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अवेलेबल में सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और सिलेक्टेड पैरामीटर्स में वही ऑप्शन आपको रखना है कि जो ऑप्शन का आपको जहाँ आपको डिज़ाइन पे कंसीडर करना है। तो अगर फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूँ, बाय डिफॉल्ट सभी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड पैरामीटर्स में अवेलेबल है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और फिर सिलेक्टेड पैरामीटर्स में सिर्फ आपको ये 3 यहाँ पे ऐड करना है और फिर ऐड ओके। और डिफाइंड पैरामीटर में आपको तीनों की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। अभी FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, अगर मैं M20 का ग्रेड असाइन कर रहा हूँ तो M20 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है kN/m², तो वो मेरा वैल्यू हो जाएगा 20,000 kN/mm², kN/m², सॉरी। तो FC मेरा हो जाएगा 20,000। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड, तो आप देख सकते हो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। FI में FE415 में कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ FE415 1230 ऐड। और शीयर एनफोर्समेंट भी FE415 1230 ऐड क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी कमांड में जाके हमें क्या करना है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें डिज़ाइन बीम करना है, ऐड डिज़ाइन कॉलम करना है ऐड, और क्वांटिटी टेकऑफ भी मुझे करना है ऐड, और फिर क्लोज। तो यहाँ से हमने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि हमने फिलहाल सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, उसको असाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ऑब्वियसली और क्वांटिटी जो कंक्रीट टेक ऑफ है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ही असाइन हो जाता है, तो वो हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली FC 20,000 जो है
अभी यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेरा, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सभी मेंबर्स मेरे M20 के हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे FC 20,000 को सिलेक्ट करके असाइन टू व्यू में जाके असाइन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करता हूँ। लेकिन अगर आपका बीम्स कोई अलग ग्रेड का है और कॉलम्स कोई अलग ग्रेड का है तो वो भी आप यहाँ से मैन्युअली ऐड कर सकते हो। आप ऑब्वियसली M20, M35, M40 ऐसे कंक्रीट ग्रेड क्रिएट कर सकते हो और फिर यहाँ से आप डिफरेंट मेंबर के लिए डिफरेंट ग्रेड असाइन भी कर सकते हो। फिर FE 415 असाइन टू व्यू असाइन यस, और FE 415 उसको भी असाइन टू व्यू असाइन यस। अभी डिज़ाइन बीम में मैं सिर्फ ये चार बीम को ही सिलेक्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली सिलेक्ट बीम्स आप यही हैबिट रखो कि यही से ही आप सिलेक्ट कर सको। अगर आप ये हैबिट रखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए जाओगे जिसमें नंबर ऑफ बीम्स नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो आप यही पैटर्न से सिलेक्ट करोगे तो वो आपको इजीली आप हेल्पफुल रहेंगे। तो ऑब्वियसली बीम को भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब डिज़ाइन कॉलम और सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई और उसको भी हमने असाइन कर दिया है। अब हम एनालिसिस में जाते हैं, रन एनालिसिस और फिर एनालाइज रन एनालिसिस सेव और फिर व्यू आउटपुट फाइल डन। तो यहाँ से हमें आउटपुट फाइल भी मिल गई है और यहाँ पर मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आइए अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।